हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 31 टेक। आज की इस वीडियो में मैं आपको यूट्यूब की कॉपीराइट पॉलिसी के बारे में बताने वाला हूं। अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो आपको कॉपीराइट पॉलिसी के बारे में पता होना बहुत ही ज़रूरी है। तो 2021 में ये पॉलिसी किस तरीके से वर्क करती है, मैं पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, और साथ में कॉपीराइट स्ट्राइक क्या है, कॉपीराइट क्लेम क्या है, उन सब चीज़ों को मैं डिटेल में इस वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए, तो आप वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको कॉपीराइट स्ट्राइक और कॉपीराइट क्लेम के बीच के डिफरेंस के बारे में बता देता हूँ कि दोनों के बीच क्या अंतर होता है। कॉपीराइट स्ट्राइक से आपके चैनल के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, जो मैं आगे आपसे डिस्कस भी करूँगा इस वीडियो के अंदर, और जो कॉपीराइट क्लेम है उससे आपके चैनल पर बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं पड़ता। तो अगर आपके चैनल के ऊपर कॉपीराइट क्लेम आता है तो उससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, उससे आपके चैनल पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम इस वीडियो में सबसे पहले कॉपीराइट क्लेम के बारे में बात कर लेते हैं कि कॉपीराइट क्लेम आपके चैनल के ऊपर किस कारण से आता है, उसका क्या रीज़न है। तो जब भी आप अपनी वीडियो में किसी भी एल्बम का सॉन्ग या फिर किसी कंपनी का म्यूज़िक यूज़ करते हैं या फिर कोई कॉपीराइट म्यूज़िक यूज़ करते हैं तो आपके चैनल के ऊपर कॉपीराइट क्लेम आता है। वो क्यों आता है? क्योंकि जिस कंपनी का आप म्यूज़िक या सॉन्ग अपने वीडियो के अंदर यूज़ कर रहे हैं, अगर वो एक बड़ी कंपनी है, बड़ा यूट्यूब चैनल है, तो उसे यूट्यूब की तरफ से एक कंटेंट आईडी अगर उसे मिली हुई है तो वो आईडी जैसे ही इससे मैच होती है तो आपके चैनल के ऊपर एक कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। और इससे क्या होता है कि आपका जितना भी रिवेन्यू होगा उस वीडियो का वो डायरेक्ट उस कंपनी के साथ शेयर हो जाता है, चाहे आपका चैनल मोनेटाइज हो या चाहे ना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब आपका उस वीडियो से जितनी भी कमाई होगी, जितनी भी जो भी एड्स उसके ऊपर आएंगी, उससे आपकी जितनी भी अर्निंग होगी वो सारी की सारी डायरेक्टली उस कंपनी को जाएगी, आपको उसमें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो अगर आप उसे कुछ भी नहीं देना चाहते तो मैं कॉपीराइट क्लेम को हटाने के आपको 3 तरीके बताता हूँ। पहला तरीका है कि आपने वीडियो के अंदर जहाँ पे भी वो सॉन्ग लगाया हुआ है उस पार्ट को आप ट्रिम कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आपने जो भी म्यूज़िक उसमें यूज़ किया हुआ है उसकी जगह आप कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक यूज़ कर सकते हैं। और तीसरा तरीका है, उस वीडियो में जहाँ पे भी आपने वो सॉन्ग यूज़ किया है उसकी आवाज़ को आप म्यूट कर सकते हैं। तो ये 3 तरीके हैं जिससे कॉपीराइट क्लेम को आप अपने चैनल से हटा सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कॉपीराइट स्ट्राइक के बारे में। इसमें सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि कॉपीराइट स्ट्राइक आपके चैनल के ऊपर किस किस कारण से आती है। मेनली इसके 3 कारण होते हैं जिसकी वजह से आपके चैनल के ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकती है। तो इसमें सबसे पहला जो कारण है वो है, या तो आप किसी की ऑडियो या वीडियो या कोई बुक यूज़ करते हैं अपनी वीडियो के अंदर, तो उससे आपके चैनल के ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकती है। मतलब अगर आप किसी की ऑडियो या चोरी कर लेते हैं या उसकी वीडियो चोरी करके अपनी वीडियो में डाल देते हैं, या फिर कोई ऐसी बुक या किताब जो रजिस्टर है किसी पब्लिकेशन में उसको आप अपने वीडियो के अंदर यूज़ कर रहे हैं तो आपके चैनल के ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक आती है। दूसरा जो इसका रीज़न है वो ये है कि अगर आप अपनी वीडियो में ये बता रहे हैं कि आप इस मूवी को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, इस लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं या इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक आप अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल रहे हैं, तो उससे भी आपके चैनल के ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक आती है। इसका क्या रीज़न होता है कि जिस मूवी को आप शो कर रहे हैं उसका कॉपीराइट जिन कंपनियों को मिला हुआ है वो उसे ऑनलाइन सिक्योरिटी प्रदान करती हैं और आपको कॉपीराइट स्ट्राइक मिल जाती है। तीसरा रीज़न है वो है, यदि आप अपनी वीडियो के अंदर किसी ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हैं जो पेड है, पर आप उसे फ्री में उसके लिए क्रैक वर्जन या कुछ इस तरीके से दिखा रहे हैं कि जिससे वो फ्री में प्रोवाइड हो, तो उसे या फिर कोई ऐसी सर्विस जो पेड है पर आप उसे फ्री में गलत तरीके से प्रोवाइड करवा रहे हैं अपनी वीडियो के अंदर,
तो आपके चैनल के ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक आती है। तो ये तीन कारण हैं जिसकी वजह से कॉपीराइट स्ट्राइक आपके चैनल के ऊपर आती है। अब बात करते हैं कि कॉपीराइट स्ट्राइक के आने से आपके चैनल पे क्या क्या इफेक्ट पड़ सकता है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो जो पहली कॉपीराइट स्ट्राइक आपके चैनल के ऊपर आती है तो वो 90 डेज तक, मतलब 90 दिनों तक आपके चैनल के ऊपर रहती है। और इसमें आपको कॉपीराइट स्कूल की वीडियो दिखाई जाती है और उससे कुछ क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। यूट्यूब का पर्पस ये होता है आपको ये वीडियो दिखाने का, ताकि आप ये सीख सकें कि कॉपीराइट पॉलिसी क्या होती है, उसको समझ सकें आप, इसलिए आपको ये वीडियो दिखाई जाती है। और इसमें आपको 90 दिन तक लाइव स्ट्रीमिंग का जो ऑप्शन है आपका, वो डिसेबल कर दिया जाता है, या कई केसेस में वो लाइव स्ट्रीमिंग का ऑप्शन जो है वो हट भी जाता है चैनल के ऊपर से। तो इसमें सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं लोग सोचते हैं कि मेरी वीडियो पे कोई कॉपीराइट स्ट्राइक आई तो मैं उस वीडियो को हटा देता हूँ तो वो कॉपीराइट स्ट्राइक भी हट जाएगी, पर ऐसा नहीं होता। वो आप 90 डेज तक आपके चैनल पे रहेगी ही रहेगी, वो आपको झेलनी ही पड़ेगी। तो आप ऐसी गलती ना करें, उस वीडियो को डिलीट नहीं करनी, क्योंकि 90 डेज के बाद वो ऑटोमेटिक ही हट जाती है आपके चैनल से। अगर आपके चैनल पे 90 डेज में दूसरी और तीसरी स्ट्राइक भी उसी के अंदर आ जाती है, तब आपके चैनल को टर्मिनेट कर दिया जाता है और आप कोई दूसरा चैनल नहीं बना सकते। मतलब अगर आप ये सोचें कि मेरा ये चैनल तो टर्मिनेट हो गया तो मैं कोई दूसरा चैनल बना लेता हूँ, वो भी आप नहीं बना सकते। मैं आपको दो ऐसे तरीके बताता हूँ जिससे आप कॉपीराइट स्ट्राइक को अपने चैनल से रिमूव करवा सकते हैं। उसमें सबसे पहला तरीका ये है कि अगर आपको ये लगता है कि मैंने जो वीडियो डाली है उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक जो आया है वो फेक है, मतलब मैंने उस वीडियो में कोई भी गलती नहीं की है, ना किसी का कंटेंट यूज़ किया है मैंने, कोई कॉपी नहीं करी, तो फिर आपको यूट्यूब को आप अपील कर सकते हैं कि मैंने इस वीडियो में कोई भी गलत चीज़ यूज़ नहीं की है, ना ही किसी का कंटेंट या वॉइस यूज़ करी है। तो यूट्यूब उस चीज़ को, उस वीडियो को आपकी रिव्यू करता है और उसके बाद आपके चैनल के ऊपर से वो कॉपीराइट स्ट्राइक हटा दी जाती है। और दूसरा तरीका है, आप उस ओनर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। मतलब जैसे आपने मेरा कंटेंट यूज़ किया या किसी और का कंटेंट यूज़ किया, तो आप डायरेक्ट उस ओनर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपकी कॉपीराइट स्ट्राइक को रिट्रैक्ट कर ले, वापस ले ले। तो अगर वो यूट्यूब को ये कह देता है कि मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है, तो यूट्यूब आपकी उस कॉपीराइट स्ट्राइक को हटा देता है आपके चैनल के ऊपर से। ये दो तरीके हैं जिससे आप अपनी कॉपीराइट स्ट्राइक को हटवा सकते हैं। और मेनली इसमें आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप अपने चैनल पे कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ ना करें जिससे आपके चैनल के ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक आए। और इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि इसमें जो 90 डेज जो हैं जिस तक आपकी जो कॉपीराइट स्ट्राइक रहती है आपके चैनल के ऊपर, उसके उसमें अगर 3 आपकी कॉपीराइट स्ट्राइक लगातार आ जाएं तो आपके चैनल को तुरंत टर्मिनेट नहीं किया जाता। उसमें आपको 7 दिन का टाइम दिया जाता है ताकि आप उनके ओनर से बात करके कॉपीराइट स्ट्राइक वापस ले सकें, करवा सकें। अगर वो कर देते हैं तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं करते हैं तो आपके चैनल के ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक रहती है और आपका चैनल टर्मिनेट होता है और आपके दूसरा चैनल भी नहीं बना सकते। तो ये सब था जो कॉपीराइट स्ट्राइक और कॉपीराइट क्लेम के बारे में था, इससे अलग और कुछ भी नहीं है इसमें। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी और अच्छे से समझ भी आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।